मारवी नगर परिषद में अध्यक्ष पद का ताज राकेश चोपड़ा के सिर पर सजा है। अध्यक्ष पद के लिए चली रही खींचातानी को अब विराम लग गया है। एसडीएम के द्वारा की गई तारीख व समय पर सिर्फ राकेश चोपड़ा के द्वारा ही अध्यक्ष पद नामांकन दाखिल किया गया, जिसके चलते अन्य किसी के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किया गया। चोपड़ा को तीन भाजपा समर्थित पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष व कांग्रेस की नेत्री रीता सहगल का समर्थन मिला है, जिसके चलते राकेश चोपड़ा अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। नगर परिषद घुमारवीं के अध्यक्ष पद पर आखिरकार भाजपा का कब्जा हो ही गया है। राकेश चोपड़ा के सिर सजा है नगर परिषद अध्यक्ष का पद का ताज। घुमारवीं नगर परिषद का अध्यक्ष पद का ताज राकेश चोपड़ा के सिर पर सजा है। अध्यक्ष पद के लिए चली रही खींचतानी को अब विराम लग गया है। एसडीएम के द्वारा दी गई तारीख व समय पर सिर्फ राकेश चोपड़ा के द्वारा ही अध्यक्ष पद पर नामांकन पत्र दाखिल किया गया, जिसके चलते अन्य किसी के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया गया है। नामांकन पत्र दाखिल के लिए समय 10:30 बजे एसडीएम के द्वारा निर्धारित किया गया था, पर दूसरा किसी के द्वारा भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल नहीं होने से 11 बजे तक राकेश कुमार चोपड़ा को अध्यक्ष घोषित किया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष के चुनाव के लिए जो 18 तारीख को दिनांक तय किया गया था बैठक के लिए, उसमें निर्धारित कोरम पूरा ना होने के कारण 19 तारीख को पुनः बैठक का समय निर्धारित किया था, और आज बैठक में जो है तो केवल 4 ही सदस्य मौजूद हुए, और नॉमिनेशन के लिए जो समय दिया था उस दौरान केवल श्री राकेश कुमार चोपड़ा जी ने अपना नामांकन पत्र अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। इसके अलावा कोई और नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं हुआ। स्क्रूटनी पे नामांकन पत्र सही पाया गया, और निर्धारित समय पूरा होने के बाद जो है तो अन्य कोई नामांकन न होने के कारण उन्हें निर्वाचित घोषित किया। चोपड़ा को तीन भाजपा समर्थित पार्षदों के साथ उपाध्यक्ष व कांग्रेस की नेत्री रीता सहगल का समर्थन मिला है, जिसके चलते राकेश चोपड़ा अध्यक्ष पद पर काबिज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वह नगर परिषद के सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने जो उन्हें जिम्मेवारी सौंपी है उस पर वह खरा उतरने का प्रयास करेंगे, और प्रदेश वो केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए नगर परिषद के बाशिंदों की समस्याओं को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। मैं नगर परिषद के समस्त पार्षदों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी है, और जो नगर परिषद संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भलीभांति मैं परिचित हूं और चिंतित भी हूं कि पिछले 3.5 वर्षों से हमारे जो नगर परिषद की कार्यप्रणाली है उसमें हम पूरे नहीं उतरे हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं सबको, सारे हमारे समस्त जितने पार्षद हैं उन सबको साथ लेकर के, सबसे बड़ा जो हमारे लिए प्लस है वो ये है कि हमारे विधायक, लोकप्रिय विधायक श्री राजेंद्र गर्ग जी भी हमारे साथ हैं, और सरकार भी हिमाचल प्रदेश के अंदर और केंद्र के अंदर हमारी है। हम मिल करके जो है जो उसमें पूरा प्रयास नगर परिषद के उत्थान के लिए करेंगे।